YouTube चैनल संजीव मिश्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुर्गा पूजा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 अक्टूबर से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो जाएगा। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर चारों ओर दीवानगी का आलम है। एक से एक पूजा पंडाल और मूर्तियां बन रही हैं। ऐसी ही एक पूजा इस बार पश्चिम बंगाल के संतोष मित्र स्क्वायर दुर्गा पूजा समिति में देखने को मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और हमेशा की तरह आज मैं मौजूद हूं एक नई टॉपिक के साथ। तो फटाफट उठाइए अपने मोबाइल को और वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सीधे सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे। और बेल का बटन प्रेस करिए, ताकि चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, संतोष मित्र स्क्वायर समिति ने अपने 83वें वर्ष में 40 करोड़ की लागत से 10 टन चांदी का एक रथ मां दुर्गा के लिए तैयार करवाया है। रथ को एक ज्वेलरी ब्रांड ने प्रायोजित किया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बन रहे पंडाल की ऊंचाई 60 फीट है। पिछले वर्ष समिति ने 30 करोड़ की लागत से मां दुर्गा के लिए सोने की साड़ी बनवाई थी। इसके अलावा दोस्तों, पूर्वी कोलकाता के नामी दुर्गा पूजा समिति श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब की थीम इस बार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत है। पूजा पांडाल फिल्म के पूरे किले, पोशाक और थीम को दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुजीत बसु के संरक्षण में हो रही यह पूजा वर्ष 2017 में बाहुबली थीम पर आधारित माहिष्मती नगर बनाकर देश भर की सुर्खियां पहले ही बटोर चुका है। दोस्तों, इसके अलावा कई ऐसे जगह हैं कोलकाता में जहां पर अनेक प्रकार के नवीन पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस वर्ष पूरे पश्चिम बंगाल में 28,000 पूजा पंडाल बनेंगे, जिसमें कि 5 करोड़ लोग 10 दिन तक मेले में घूमते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि दुर्गा पूजा 2018 से संबंधित ये जानकारी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, ताकि चैनल की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय माता दी। गुड बाय।